बैक टू माई चैनल। सो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन का एक और डिफरेंट सा रेसिपी, चिकन दो प्याज़ा। सो कीप फॉलोइंग टू नो कि ये मैंने कैसे बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला चीज़ जो मैंने लिया है वो है ये चॉप्ड अनियंस। सी अनियंस को मैंने दो तरीके से काटा है। सो अनियंस ये रफली चॉप्ड किया हुआ है और अनियंस जिसको मैंने ऐसे क्यूबिकल शेप में, आई मीन स्क्वायर स्क्वायर काट लिया है, ठीक है, क्योंकि चिकन दो प्याज़ा में ऐसा ही लगेगा हमको। एंड मैंने यहाँ पे लिया है हाफ लेमन, धनिया पत्ता थोड़ा सा चॉप किया हुआ। यहाँ पे मैंने लिए हैं दो ग्रीन चिलीज़ जिसको मैंने यहाँ पे स्लिट कर लिया है। और मैंने लिया है अराउंड 1 कप ऑफ दही एकदम मेन इंग्रेडिएंट्स। और जो ड्राई स्पाइसेस होंगे वो मैं जब जब डालूंगी तब मैं बताते जाऊंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द मैरिनेशन। मैरिनेशन बहुत ही सिंपल सा होगा। इसमें जस्ट मैं डालूंगी ये जो हमारा हाफ लेमन था वो लेमन मैं डालूंगी। एंड यस, ये मैंने 300 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है। आपका क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा सकते हो, या अगर कम होगा तो कम भी कर सकते हो। सो ये 300 ग्राम्स ऑफ चिकन में मैंने लिया है हाफ लेमन, और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा चिकन मसाला। आप अगर चाहो तो इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सॉल्ट डालने से इसमें से पानी निकल जाएगा और लेमन डालने से ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हैंड से मैंने मिक्स कर ली हूँ। मैं मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दो। सो द मैरिनेशन इज़ डन। अब इसको हम लोग रख देंगे। सो कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का ऑयल और अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, जब भी आप खाना बनाते हो तो आप स्टार्टिंग में तेल को अच्छे से गर्म कर लो, उसके बाद अपना फ्लेम को हमेशा मीडियम पे करके खाना बनाओ, नहीं तो खाना हमारा जलने लगेगा। ओके, सो अब मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड अनियन। अनियन फ्राई हो रहा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉरी, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में बोलना भूल गई थी। मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट अराउंड 1 चम्मच। जब तक प्याज थोड़ा थोड़ा फ्राई होता है तब तक मैं ये दही का हमारा एक मिक्सचर बनाएंगे, वो बना लेती हूँ मैं। तो दही में मैं डालूँगी अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर और चिली पाउडर एज़ पर यू टेस्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 चिली लिया हुआ है। आप ज़्यादा चिली खाते हो, क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप चिली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लो। और इसमें डालूँगी मैं जीरा पाउडर। ये सारा मिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं दही को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे और मैं अब डाल दूंगी हमारा ये जो अनियन फ्राई हो रहा है इसमें टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी डाल के इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये अनियन जो था वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको लो फ्लेम पे करके हमें अच्छे से इसको मसालों को पकाना है।
रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जो हमारा दही का मिक्सचर था वो। थोड़ा सा पानी भी इसमें हम लोग डाल देंगे और अब इसको हमें बहुत अच्छे से कुक करना है, नहीं तो दही का एक रॉ स्मेल इसमें से आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको कुक करना है। यू कैन सी ऑलरेडी हमारा जो ग्रेवी होगा उसका एक बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसमें, और ये जितना कुक होगा इसका कलर और इनहेंस हो जाएगा। हमारा जो ग्रीन चिली था स्प्लिट किया हुआ वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। मसाला को हमको इतना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए, और ऑयल जब सेपरेट होगा यही इंडिकेशन है कि आपका मसाला इज कुक वेरी वेल। नाउ हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हम लोग इसमें चिकन डाल देंगे। डाल दिया है हमने पानी और अब हम लोग अपना मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हमको इसे ऐसे ही मिला मिला के कुक करना है सो दैट ग्रेवी इसके अंदर अच्छे से चला जाए चिकन में। सी द कलर ऑफ द ग्रेवी। कैमरे के कैमरे से आपको उतना अच्छे से पता नहीं चल सकता है बट आई कैन सी दिस ग्रेवी बहुत बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सी चिकन इसमें ऐसे ही ग्रेवी में फ्राई करते वक्त हमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट डालना है जिसके बिना खाना बनाना इज इम्पॉसिबल। यस, नमक स्वाद अनुसार। सो नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल दो उसमें एंड गिव इट अ गुड मिक्स। इससे चिकन जो है ये कुक होते होते सॉफ्ट भी होते रहेगा सो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यस, हमने लेमन इसमें डाला था तो चिकन अच्छे से बॉयल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कुक होने में। सो लेमन आप हमेशा डाल के मैरिनेट करो अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना अगर आप चाइनीज़ आइटम बना रहे हो तो उसमें आप विनेगर डाल के मैरिनेट करो। सो एक अच्छा सा स्मेल भी आएगा विनेगर का और चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। दिस इज़ अ टिप फ्रॉम माय मॉम, मेरी मम्मी ऐसा करती है। सी चिकन को ऐसे फ्राई कर करके कि ये 40-45% कुक हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम लोग इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। कितना चिकन के लिए मैं अराउंड हाफ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर डाल दूँ और अराउंड 2 teaspoons ऑफ चिकन मसाला। ये सब डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। सी द ग्रेवी इतना टेम्पटिंग है कि लग रहा है इसको अभी खा लें हम लोग। अब हम लोग डाल देंगे इसमें पानी अराउंड 1 glass ऑफ पानी मैंने इसमें डाला है और अब इसको ढक के अच्छे से कुक करेंगे। चिकन अच्छे से कुक हो गया है और ये थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी है, मैं इसको थोड़ा ग्रेवी में रखूँगी क्योंकि मुझे इसको राइस के साथ खाना है। आप अगर कोई भी पूरी या पराठा के साथ खाओगे तो आप अपना ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हो। अब हम लोग इसको डाल देंगे ये हमारे क्यूबिकल पीसेस में काटा हुआ प्याज
स्टार्च डाल के अराउंड हमको इसको 30 सेकेंड्स के लिए चलाना है। अभी हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा डालना है आपको, एकदम कम, जस्ट फॉर फ्लेवर। एंड दैट्स इट, दिस इज डन। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। सो मैंने इसको सर्व कर लिया है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आई होप इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। So if you like this recipe, then do not forget to like, share and subscribe to my channel and click the bell icon to get the latest video notification.